हेलो फ्रेंड्स, नेहास कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सांबर। सांबर एक फेमस साउथ इंडियन डिश है और ज्यादातर इसे इडली, डोसा या उत्पम के साथ खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। 2 कप सब्जियां, बैंगन, गाजर, कद्दू, 1/2 कप अरहर दाल, 1/4 कप कटे छोटे प्याज, 2 बड़े चम्मच तेल, 7 से 8 कड़ी पत्ता, 2 साबुत लाल मिर्च, 1/2 कप बड़े कटे टमाटर, 1 छोटा चम्मच सरसों, 3 छोटा चम्मच सांभर मसाला, 1 छोटा चम्मच रेडीमेड इमली का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले मैंने बैंगन, गाजर और कद्दू को 1/2 कप पानी के साथ कुकर में 1 सीटी लगाकर उबाल लिया है। इसी तरह मैंने अरहर की दाल को भी 2 कप पानी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी के साथ तेज आंच पर 3 सीटी लगाकर कुकर में उबाल लिया है, ताकि हमें इस तरह का गाढ़ापन मिल जाए। आप चाहें तो इसे ब्लेंड करके भी ऐसा बना सकते हैं। अब तेज आंच पर एक पैन लें और इसमें 2 चम्मच तेल डाल दें। अब तेल को अच्छे से गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तो आंच मीडियम कर दें और अब इसमें साबुत लाल मिर्च, सरसों, करी पत्ता और प्याज डाल दें। अब प्याज को मीडियम हीट पर तब तक पकाएं जब तक प्याज हल्के ब्राउन हो जाएं। लगभग 1.5 से 2 मिनट बाद जब प्याज पक जाएं, तो इसमें टमाटर डाल दें और थोड़ा सा मिला दें। अब इसमें हल्दी, नमक और सांभर मसाला डाल दें। अब सभी मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद इसे ढक दें और धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं। 5 मिनट बाद चमचे से दबाकर चेक कर लें कि टमाटर ठीक से पके हैं या नहीं। अब टमाटर पक गए हैं तो इसमें उबली हुई सब्जी और दाल डाल दें। अब इन्हें अच्छे से मिलाएं। अगर आपको लगे सांभर थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला दें। यहाँ मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। फिर से इसे अच्छे से मिला दें और अब इसे ढक दें और मीडियम हीट पर 10 मिनट तक पकने दें। 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें और अब हमारी सांभर तैयार है। तो इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लें। तो चलिए सांभर को टेस्ट करते हैं। सांभर बहुत ही स्वादिष्ट बना है और सांभर में सभी मसालों के टेस्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इसे जरूर बनाएं और अपने बच्चों और फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरा रेसिपी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और रेसिपी ट्राई करनी है तो ऊपर वाले पिक्चर पर क्लिक करें।